नमस्ते व्यूअर्स, जय हिंद। वेलकम टू डॉक्टर मेधावीज किचन। आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल गुजराती डिश बताने जा रहे हैं जो आप स्नैक्स में यूज कर सकते हैं। हर हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि शाम को हम क्या खाएंगे, तो ये एक आपकी डिश है जो आप शाम को बना सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं गुजराती मुठिये मेथी के। ये लौकी से भी बनते हैं, लेकिन अभी आज हम आपको मेथी के मुठिये बता रहे हैं। तो आइए बनाते हैं मुठिये। ये हमने मेथी काट ली है, ये 150 ग्राम है। इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम बेसन, 50 ग्राम आटा, 50 ग्राम रवा, 5 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन की कली, 2 इंच का टुकड़ा छील के अदरक का, ये हमने पीस लिया है। इसके लिए हमने लिया है 1 नींबू का रस, थोड़ी सी हरी धनिया, लाल मिर्च, शक्कर, तेल मोन के लिए। आप याद रखिए, गुजराती डिशेस में दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खट्टा और मीठा और तेज भी। ये उनका बैलेंस करने का तरीका रहता है कि कोई चीज खटाई डाली है तो हम शक्कर भी डालें, और उसके बाद हम आटा मारते वक्त इसका बेकिंग सोडा भी डालेंगे। तो आइए अब हम इसका आटा मारते हैं। देखिए, थाली ली है हमने और सबसे पहले हम इसमें अपनी मेथी डालेंगे। मेथी को हमने काट के और ड्रेन कर लिया है और इसमें से पानी भी निकाल लिया है। इसमें डालेंगे नमक। देखिए, सारे ड्राई मसाले हम इसमें पहले मिला लेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, आप जैसा नमक खाते हैं कम ज्यादा। अब इसमें मिलाएंगे हम हरी धनिया, मिर्ची का पाउडर। देखिए, ये रेड वाली मिर्ची है, तीखी कम है, कलर ज्यादा है, इसको आप मिलाते जाइए साथ ही साथ। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, शक्कर, सारे ड्राई मसाले हम पहले मिला लेंगे इसमें। अब डालेंगे इसमें हम हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें याद रखिए, आप दरदरा नहीं पीसेंगे, हम इसमें जो पीसेंगे हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, एकदम बारीक करेंगे। अदरक के कोई भी टुकड़े अगर मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। और अब इसमें हम डालेंगे अपना बेसन। देखिए, बेसन आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए तो आपको पता चलेगा कि कितना बेसन ऐड करना है, ना इसमें बेसन ज्यादा करना है ना एकदम कम होना है। देखिए, कम हो जाएगा तो सिर्फ मीठी आती है मुंह में, जो कि अच्छी नहीं लगती है, और अगर ज्यादा हो जाता है तो मेथी का ही टेस्ट नहीं आता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब ये हाथ में चिपक रहा है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा रवा डालेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें अपना मून। इसमें अब हम डालेंगे अपना आटा। देखिए, हम इसमें पहले पानी नहीं डालते हैं, इसलिए कि इसमें मेथी ऑलरेडी गीली रहती है, इसका अपना पानी छूटता है नमक डालने के बाद में। बेसन मिलाते जाएंगे। हमने पूरा अपना बेसन डाल लिया है और आटा भी पूरा डाल लिया है, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये जार है जिसमें हमने अपने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाया था, उसी में पानी डाल के आप मस लीजिए अपना आटा। याद रखिए, गुजराती टेस्ट है, इसमें खट्टा मीठा होना कंपल्सरी होता है। एक छोटा सा चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम डालना भूल गए थे तो हम इसको थोड़ा सा पानी में डाल लेंगे और अब इसके ऊपर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मिला लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम इस तरह से पूरा डाल देंगे। बेकिंग पाउडर जरूर डालिए बेसन की चीजों में, उसमें बेसन का जो चीज है वो अच्छे से फूलती है। उसमें मुठिये को हम स्टीम भी कर सकते हैं और तल भी सकते हैं। हम आपको इस बार इसको तलने का तरीका बता रहे हैं, इसको किस तरह से तलना है। देखिए, ये हमने मुठिये का आटा मस के रख लिया है। देखिए, इतना कड़क होना चाहिए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और फिर हम इसको तलेंगे। देखिए, मुझे कुछ काम था तो मैं जल्दी से करके आ गई हूँ, और अब हम हमारे आधे घंटे हो चुके हैं और अब हम अपने मुठिये बनाएंगे। तो आइए हम अपना मुठिया तलते हैं। अब देखिए, इसमें हम दो तरीके से बना सकते हैं, इसे हम स्टीम भी कर सकते हैं और इसे हम ऐसे तल भी सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि हम इसको तल लेते हैं। देखिए, इस तरह से इतनी छोटे छोटे साइज के बनाइए आप। देखिए, इस तरह से कढ़ाई भर के डालिए आप, और जो लाल होने लगे उनको आप पलटते जाइए। देखिए, इसमें बेसन है इसलिए हम इसको थोड़ा धीमी आंच पे बनाएंगे। पहले फास्ट पे डालिए, फिर धीमी आंच कर दीजिए। देखिए, इस तरह से जो हमारे लाल होते जाएंगे हमें निकालते जाएंगे।
इस तड़के में हमने पहले डाला है एक चम्मच राई, दो चम्मच जीरा, चार लाल मिर्च दो टुकड़ों में करके, दो हरी मिर्च दो टुकड़ों में करके और सफेद वाली तिल्ली, तिल्ली डाली है हमने दो बड़े चम्मच, क्योंकि तिल्ली का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बस।